बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टार्ट करें हम लोग, और ऊपर आप लिख लें लाइफ इन मदीना, यानी लाइफ इन मक्का हमारी ख़त्म हो गई, अब हम लाइफ इन मदीना की तरफ आ रहे हैं। और उसका क्वेश्चन लिख लें लाइफ इन मदीना का। सर जी प्लीज। जी बोले। सर लाइफ इन मक्का में सर एक क्वेश्चन और नहीं था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपीरियंस इन केव्स। वो क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे, वो हम लोगों का पास जब टेस्ट होगा तो कुछ चीज़ें टेस्ट में भी आप लोगों ने मुझे करके दिखानी होती हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए रखी होती हैं मैंने छोटी सी चीज़ें पास पेपर की ना, ताकि वो आप लोगों का कुछ आपको अंदाज़ा भी हो कि हमने कैसे करना होता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनके अंदर मौजूद हैं। जी ओके, अब स्टार्ट करें। आज के क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम डू विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ मदीना आफ्टर हिज माइग्रेशन या सून आफ्टर हिज माइग्रेशन टू मदीना। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का पास्ट पेपर में आ चुका है, और हर सी हम सेक्शन नंबर 3 जो कल आपको मैंने रात बताया था कि लाइफ इन प्रॉफिट सल्लम जो है ना उसमें से चल रहा है, और हम लाइफ इन मदीना में आ चुके हैं। जी तो अब स्टार्ट करें इसके आंसर। जी सर। ये सेक्शन 3 का चल रहा है आंसर, लाइफ इन प्रॉफिट्स की लाइफ के बारे में जो कल मैंने आपको बताया था, सेक्शन नंबर 3। हाँ जी ओके सर। जी अब आंसर स्टार्ट करेंगे। इन 13th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना आफ्टर हिज माइग्रेशन He took the following steps for the inhabitants of Medina. अब न्यू पैराग्राफ बनाएंगे। एट फर्स्ट स्टेप He built a masjid known as Masjid Nabawi Hazrat Abu Bakr رضی اللہ تعالی عنہ paid the amount for masjid to two brothers
साहल एंड सोहेल, इट वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स बट ऑल्सो अ पोलिटिकल एंड मिलिट्री हेडक्वार्टर फॉर दी न्यू बॉर्न इस्लामिक स्टेट इट वॉज ऑल्सो सर्व्ड अ प्लेस वेयर दी रिलीजियस सेमिनार्स वर हेल्ड द मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज गिवन टू दी कंपेनियंस The judicial decisions were also made there the ambassadors of the other states were received and stayed there. A large platform was also built in one corner of the masjid which was known as Suffa. It was a shelter for homeless
डेफ पर्सन, एंड सर्वड एज रिलीजियस ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाइएगा। द वॉल्स वर मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स and the roof was made by mud and date palm leaves were used for the roof. Whereas the trunks of palm trees were used as pillar the holy Quran mentions this masjid in Surah Tauba comma start there is a masjid whose foundation was laid from the first day सर ये रिपीट करें। जी, देयर इज अ मस्जिद हूज फाउंडेशन वाज लेड फ्रॉम द फर्स्ट डे on piety dot 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 comma close the system of azan sir saying कुरानी वर्स में सर फर्स्ट डे ऑन जी फर्स्ट डे ऑन पाइटी पी आई ई टी वाई जी द सिस्टम ऑफ आजान वाज इंट्रोड्यूस्ड to call the people for daily prayers
ऑन दी सजेशन ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो वाज अपॉइंटेड एज मुअज्जन MUEZZIN। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे ना इस पे सर आप सेंटेंस रिपीट कर। कौन से वाला कहाँ से रिपीट करना बताएं मुझे। सर हजरत बिलाल वॉज जी, हजरत बिलाल वाज अपॉइंटेड एज द मुअज्जन MUEZZIN मुअज्जन। Who was known as मुअज्जने रसूल। कॉमा क्लोज। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। आफ्टर द बिल्डिंग ऑफ मस्जिद नबवी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम established brotherhood between Ansars and immigrants। The immigrants who had left all their belongings in Mecca were penniless, homeless and shelterless in Medina। Therefore, it was necessary to settle them। अब न्यू पैराग्राफ बनाएंगे। ही कॉल्ड दी अंसार्स एंड टोल्ड देम दैट मुहाजरीन
नीड देयर हेल्प, एंड प्रोटेक्शन दे ऑल वर रेडी ही देयर फोर मेड Each immigrant the brother of other the brother of Ansar for example He made Hazrat Kharja, Kharjah, Hazrat Kharja, the brother of Hazrat Abu Bakr, Hazrat Utban, 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 the brother of Hazrat Umar, Hazrat Abu Rawah, RAWWAH. The brother of Hazrat Bilal, Hazrat Saad bin Rabi. The brother of Hazrat Abdur Rahman bin Auf. And made Hazrat Ali. His own brother. By saying comma star you are my brother In this world and the hereafter, the immigrants. Took their sorry immigrants नहीं कीजिएगा द अंसार टुक देयर इमिग्रेंट ब्रदर इन देयर होम They divided their houses
fields gardens and properties into two halves. Even Hazrat Saad gave option to Hazrat Abdurrahman bin Auf that he can divorce his one wife to marry her. All the immigrants refused to take anything except shelter. This brotherhood ended the enmity between Aus and Khazraj. The Holy Quran says, comma start. And remember with gratitude Allah's favor on you you were enemies and he joined your hearts in love so that by his grace became brothers. Comma close. Next paragraph banayenge. The Medina was surrounded by Jews and other tribes The Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam thought that Islamic state could not stable on firm footing
अनटिल इट हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल द ट्राइब्स He therefore signed a peace treaty with Jews, tribes, Banu Kenka. QAI NOQA बनु नजीर एंड बनु कुरैजा अकॉर्डिंग टू इट They were given religious freedom paying the blood money was continued They were bound to help when Medina was attacked. No one was allowed to. Give refuge to the Quraysh. It was also decided that Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam Will decide all the matters and his decision would be final. Next paragraph, banaye last paragraph hai. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्टार्टेड द हिजरी कैलेंडर ऑन द बेस ऑफ दिस माइग्रेशन उसके बाद द नेम ऑफ द सिटी यसरब द हाउस ऑफ डिजीजेस was changed to Medina to Nabi
सिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और अब मंडे को इंशाल्लाह जो है हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज हमने किया हुआ है ये आपका पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं होपफुली इसको जो है ना आज के लेक्चर को भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग लाजमी तौर पर उसको सुनकर जो है वो अपनी कुरेक्शन कर लीजिएगा। बाज़ बात कुछ वर्ड कुछ पॉइंट जो है मिस हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन है तो हम उसे डिस्कस कर लें, अदरवाइज अल्लाह जी जी प्लीज़। सर हजरत साद वाली इंसिडेंट नहीं समझ आया था। जी वो यूँ हुआ था कि हजरत साहब जो थे उन्होंने हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ से कहा था कि मैं मदीना में यानी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हूँ और साथ मेरी दो बीवियाँ भी हैं, और उन दोनों बीवियों को वो उनके सामने लेके आए और कहा कि अगर तुम उन दोनों में से किसी एक से शादी करना चाहो मैं उसे डाइवोर्स कर देता हूँ ताकि आप उससे शादी कर लो। और ये जो सामने लेके आने का कंसेप्ट है ये पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले था, क्योंकि पर्दे का हुक्म बाद में नाजिल हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस अपने भाई के लिए इससे बड़ी कुर्बानी देने की एग्जाम्पल पूरी तारीख में नहीं थी। ये असल में ये इंसिडेंट। जी हो गया क्लियर? जी सर, जी। सर एक और क्वेश्चन हाँ जी सर, मैंने सिलेबस उठा के देखा था जी इसका जी मैथ का, जी तो जी उसमें सर लिखा हुआ था कि प्रॉफिट्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस हु सराउंडेड हिम इन मिनिस्ट्री, होली प्रॉफिट्स, सर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस हु सराउंडेड हिम इन मिनिस्ट्रीज। जी, वो हम जो सेक्शन नंबर 4 अब हमारा जब 3 खत्म हो गया ना, तो जब हम सेक्शन जी 4 सर करेंगे वो प्रॉफिट्स के कंपेनियंस के हवाले से ही है नेक्स्ट वाला। सही सर जी, वो फिर हम उस वक्त जाके उस पर करेंगे। जी